अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और जैसे ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये एक बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई वो हम ऐड कर देंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और जैसे प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम ये एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसमें हम ये ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसे थोड़ा सा। और फिर इसमें हम ये सोए की भाजी ऐड करेंगे। सोई की भाजी में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो इसे हमें इसका पानी सारा ड्राई होने तक पका लेना है पहले अच्छी तरह से। तो अब देखिए जो सोई की भाजी को हमने इसका सारा पानी ड्राई होने तक इसे अच्छे से पका लिया है और ये थोड़ी गल भी गई है। तो अब हम इसमें ये लाल मसूर की दाल डाल देंगे। तो ये मसूर की दाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और फिर इसमें हम ये थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना ऐड किया है। तो बस ये 1/2 ग्लास पानी का मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं ऐड करना है और दाल को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और फिर इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो इसे कुछ देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो पानी है इसका सारा ड्राई हो गया है और ये जो दाल है वो भी गल गई है। तो बस दाल को हमें इतना ही पकाना है। तो इस सब्ज़ी को हमने पूरा ड्राई नहीं किया, इसमें आपको हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा होगा। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप चाहें तो इसका सारा पानी भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दाल को देख सकते हैं कि हमने इसे कितना पकाया है। तो जैसे ये दाल 80% या 90% पक जाएगी तो हमें गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और फिर बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। फरीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।